कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाथरस मामले में जो सीबीआई जांच कर रही है वो कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होगा, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में सौंपेगी। हालांकि हाथरस के पीड़ित परिवार के द्वारा कोर्ट से ये भी गुहार लगाई गई थी कि इस पूरे मामले की जांच दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए, यानी दिल्ली में जाँच हो। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि पहले सीबीआई इसकी जांच कर ले, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि लगातार पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, उसकी कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना था और कांग्रेस का नेतृत्व इसकी लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आज फिर दोहराया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है, ऐसे में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कोर्ट का आज निर्णय आया है, हाथरस के मामले को उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपा है, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होगा। यही मांग थी हाथरस की बेटी के परिवार सदस्यों का, और इस मांग को लेकर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। इस निर्णय का स्वागत है। सीबीआई को भी अभी रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को देनी पड़ेगी, ये जरूरी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन सरकार ने ये बिल्कुल साबित कर दिया था कि वो अन्याय करने पे तुले हुए थे। इसके अलावा मेरा मानना है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिल्कुल टूट रही है, वहां पर राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। आज एक लड़की का सरेआम बलात्कार होता है, उसको जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ये देश में हमने कभी नहीं देखा। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार एक बच्ची को सुरक्षित नहीं कर सकती, तो बाकी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति अगर न्याय करना हो तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के महिला विंग की अध्यक्ष सुष्मिता देव का कहना है कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय नहीं दिला सकती, जबकि हाथरस जैसे मामले में तमाम बड़े लोग, इसमें जो राजनीतिक लोग हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, सभी लोगों ने न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, इसके बावजूद न्याय मिलने में देरी हो रही है, ऐसे में दूसरे आम लोगों को कैसे न्याय मिलेगा जब प्रदेश का प्रशासन और पूरा तंत्र ही पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिला पा रहा है और दोषियों को बचाने का काम कर रहा है, ऐसे में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।